Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भगवान शिव का पवित्र महीना सावन का आरंभ हो चुका है। भगवान शिव को रुद्राक्ष प्रिय है। साधु संत और शिव जी के भक्त रुद्राक्ष विशेष रूप से धारण करते हैं। इसको पहनने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं रुद्राक्ष की कथा और उसके स्वरूपों के बारे में भगवान शिव ने माता पार्वती से क्या कहा। एक बार भगवान शिव ने जब 1000 वर्ष की साधना की, उसके पश्चात समाधि से जागृत होने पर जब उन्होंने बाहरी जगत को देखा तो उनके नेत्रों से एक जल बिंदु पृथ्वी पर जा गिरा। उसी बिंदु से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई जिसे रुद्राक्ष कहा गया। भगवान शिव की इच्छा से वो संपूर्ण पृथ्वी पर फैल गया और मानव जाति के लिए आज भी एक आशीर्वाद है। रुद्राक्ष शांतिदायक, मुक्तिदायक, पुण्यवर्धक और कल्याणकारी होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को इसके अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया और कहा कि जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता है वो शिव प्रिय होता है तथा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें अधार्मिक कार्यों से बचना चाहिए, मांसाहार और नशे से दूर रहना चाहिए। रुद्राक्ष 3 तरह के होते हैं। कुछ रुद्राक्ष आकार में आंवले के समान होते हैं, ये रुद्राक्ष सबसे अच्छे माने जाते हैं। कुछ रुद्राक्ष बेर के समान होते हैं, इन्हें मध्यम फल देने वाला माना गया है। और तीसरे प्रकार का रुद्राक्ष का आकार चने के बराबर होता है, इन रुद्राक्षों को सबसे कम फल देने वाला माना गया है। अगर कोई रुद्राक्ष खराब है, टूटा फूटा है या पूरा गोल नहीं है तो ऐसे रुद्राक्ष को धारण करने से बचना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में उभरे हुए छोटे छोटे दाने ना हों ऐसे रुद्राक्ष नहीं पहनने चाहिए। रुद्राक्ष सोमवार को धारण करना चाहिए। किसी अन्य शुभ मुहूर्त में भी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। रुद्राक्ष को कच्चे दूध, पंचगव्य, पंचामृत और गंगा जल डालकर पवित्र करना चाहिए। अष्टगंध, केसर, चंदन, धूप, दीप, फूल आदि से शिवलिंग और रुद्राक्ष की पूजा करें। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। लाल धागे में सोने या चांदी के तार में पिरोकर रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने के बाद रोज सुबह भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.